और तपश्चर्या का नाम है जैन धर्म, जिसे अर्यंतों ने स्थापित और मुनियों ने प्रसारित किया। लाखों आस्थाएं उनकी वाहक बनी और स्थापित हुआ जिन शासन, जिसके लिए शरीर महज हाड़ मांस का लोथड़ा नहीं बल्कि अनंत दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप का वास है। इसी उज्जवल परंपरा के तेजस्वी इतिहास की एक मजबूत कड़ी है संत। इन्हीं संतों ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपनाने की राह दिखाई, जो जैन धर्म के पंच महाप्राण के रूप में स्थापित हो गया। जैन धर्म सिर्फ ईश्वर की आराधना में विश्वास नहीं करता, बल्कि तपश्चर्या के बल पर ज्ञान अर्जन करने वाले संतों को मानता है। इस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर, जिनके बताए रास्तों पर चलकर जिन शासन धर्म की पताका फहरा रही है। समाज को भौतिकता, दुख से मुक्ति का मार्ग दिलाने के लिए भगवान महावीर ने राजपाट को त्याग दिया और 30 वर्ष की आयु में निकल पड़े जीवन के भंवर जाल से मुक्ति दिलाने की राह के ज्ञान को खोजने। भगवान महावीर के सिद्धांतों को मानते हुए जीवन को तारने चल पड़े उनके लाखों श्रावक और श्राविकाएं। भौतिकता के भंवर जाल से जीवन को उबारने की कड़ी में भगवान महावीर के बताए उज्जवल परंपरा को लोगों ने अपनाया। कईयों ने सुख समृद्धि को छोड़कर बैराग की राह तलाश ली। इसी संत परंपरा की एक मजबूत कड़ी बने सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब। सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने जैन धर्म के श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा को नई दिशा दी। उनके बताए रास्तों पर चलकर लाखों जीवन तर गए, कईयों को भौतिकतावाद की कीड़ से मुक्ति मिली और कई रंग राजा बन गए। सुबोध सागर सुरेश्वर जी ने स्वयं तपश्चर्या किया और जैसे स्वर्ण को तपाकर उसमें चमक लाई जाती है, उसी भांति अपने आप को तप से सज्ज कर उन्होंने समाज को प्रज्वलित किया। वचन सिद्ध पुरुष थे, उनके लिए सब लोग ऐसा बोलता है, वो सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराज ने बहुत चमत्कार किया, लेकिन हम ये बोलते हैं कि उसने चमत्कार किया ही नहीं, जो किया वो चमत्कार हो गया। इस महान संत का जीवन बहिरात्मा के अंतरात्मा की प्रक्रिया से गुजर कर परमात्मा बन जाने वाला था। अपने गुरुओं को भगवान मानने वाला जैन संप्रदाय सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराज के नर जीवन को नारायण की मूर्ति रूप में स्थापित किया। जिन शासन की पताका को लहराने वाले महान संत की तीर्थ गाथा जितनी बड़ी है, उनका बचपन उतना ही साधारण है। गुजरात के बनासकांठा में जूनाडीसा गांव में एक सरकारी अफसर के घर 13 दिसंबर 1922 को
एक अलौकिक बालक ने जन्म लिया, जिसके पिता का नाम था चुन्नीलाल मेहता और माता का जमुनाबेन मेहता। पुत्र रत्न की प्राप्ति से पूरा परिवार हर्षित था और इस बालक का नाम रखा गया वर्धी चंद्र मेहता। 6 भाई बहनों में वर्धी चंद्र चौथी संतान थे। बचपन परिवार के लाड़ प्यार में गुजर रहा था। पिता ने वर्धी चंद्र का नाम पालनपुर जैन बोर्डिंग स्कूल में करा दिया। इस समय चुन्नीलाल के इस नटखट बालक की आयु 12 वर्ष थी। वर्धी चंद्र अपनी शरारतों के लिए भले डांट खाते रहे, लेकिन माता से उन्हें अधिक स्नेह था। शांत शालीन स्वभाव की जमुनाबेन एक जिम्मेदार गृहिणी के साथ साथ बेहद धार्मिक थीं। माता के इस स्वभाव ने वर्धी चंद्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। वो लड़का जिस पर समझाने और फटकार का कोई असर नहीं होता, वो माता के साथ उपाश्रय में जाकर शून्य हो जाता। उसका मन उपाश्रय की दीवार में टंगी एक तस्वीर के सामने शांत हो जाता था। ये तस्वीर थी आचार्य बुद्धिसागर सुरीश्वर जी महाराज की, जिनकी तस्वीर एक शरारती मन को अध्यात्म की ओर मोड़ने लगी। धीरे धीरे वर्धी चंद्र का मन तस्वीर के ओजस्वी पुरुष की तरफ खींचने लगा। उसके सानिध्य को पाने के लिए उनमें व्याकुलता पैदा होने लगी। वह अनजाने में ही अध्यात्म की सीढ़ी चढ़ने लगा। वर्धी चंद्र का व्याकुल मन बहुत दिनों तक इससे अनभिज्ञ न रह सका। वह थोड़ा थोड़ा दीक्षा को समझने लगा था। एक दिन वर्धी चंद्र ने दीक्षा लेने का संकल्प कर लिया। ये बात जब वर्धी चंद्र के पिता को पता चली तो उन्हें दुख हुआ। उन्होंने बेटे को वैराग्य से हटाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वर्धी चंद्र तब तक उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां मन दृढ़ता का पाठ पढ़ने लगता है। वर्धी चंद्र ने पालनपुर और पाटन के सभी जैन मुनियों से दीक्षा देने की विनंती की, लेकिन पिता चुन्नीलाल पुलिस पटेल थे, उनकी दबंगई के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई। और एक दिन वर्धी का मन निश्चय कर बैठा, जब तक दीक्षा नहीं मिलेगी वो अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। वर्धी चंद्र की अन्न जल न ग्रहण करने की जिद आखिरकार जीत गई और 18 फरवरी 1942 को बुधवार के दिन पाटन में मौजूद संत चरण विजय जी ने दीक्षा दी। दीक्षा के बाद वर्धी चंद्र का नाम पड़ा विद्यानंद विजय। वर्धी चंद्र के पिता अपने दल बल के साथ पाटन पहुंच गए। बेटे को वहां से ले जाने के लिए चुन्नीलाल ने सभी तरकीबें अपनाई, लेकिन दीक्षा में रम चुका वर्धी चंद्र अब उनका वर्धी नहीं रहा, बल्कि वो वैराग्य की राह पर चल पड़ा था। मोह हार गया और वैराग्य जीत गया। चुन्नीलाल ने पुत्र हट के आगे हार मान ली, लेकिन बेटे को आचार्य कीर्ति सागर सुरीश्वर जी से दीक्षा लेने की शर्त रख दी। वैराग्य की राह पर चल पड़े वर्धी चंद्र के पिता की सहमति से मंगलवार 5 मई 1942 को मोडेरा के सूर्य मंदिर में कीर्ति सागर सुरीश्वर जी महाराज ने दीक्षा दी और जिन शासन को सुबोध सागर सुरीश्वर जी के रूप में मिला अहिंसा परोपकार और धर्म की सीख देने वाला एक महान संत। सुबोध सागर जी महाराज वैसे ही पहले से शिव पुरुष थे, शिव गर्जना थी, शिव गर्जना से बातचीत किया। उनका पिताजी भी उस वक्त आए थे और बहुत मारपीट की, हाथ भी उठाया, फिर भी कुछ नहीं बोला, आपको जो भी कुछ करना वो कर सकते हो, मैंने संयम लिया है और अब किसी भी हालत में संयम छोड़ने वाला नहीं हूँ। और लास्ट में उनका एक भाई था, उसने ये जो रजोहरण है वो खींच लिया। जैसे ही खींचा उसी वक्त उसको खून की उल्टी हुई, वॉमिट हुई, तब वो लोग स्तब्ध हो गए। फिर उनको अलग अलग तरीके से समझाने लगा, लालच दिया। वो लालच तो पहले से घोल के पी गए थे और फिर लगा कि नहीं, अब संयम जीवन में वो किसी भी हालत में निकलने वाला नहीं है। फिर आज ही खुशी से दीक्षा। दीक्षा ने वर्धी चंद्र को धर्म के सागर में भिगो दिया था।
उनका जीवन अब ज्ञान की तलाश में तपने को तैयार था। सुबोध सागर सुरीश्वर जी साबरमती नदी के किनारे बसे महुड़ी आ गए, जहां गुफाओं में उन्होंने कठिन तपस्या शुरू कर दी और महुड़ी बन गई तपोस्थली। सुबोध सागर सुरीश्वर जी अब गुरुजी की भूमिका में थे और यहीं से गुरुदेव ने किया सतत चलने वाली समाज सेवा और अवरुद्ध निर्माण कार्य का शंखनाद। पता कुटुंबियों ने, सगा संबंधियों ने आशीर्वाद आपी भगवान चलवा गया। सबसे पहले महुड़ी के जर्जर मंदिर की जगह भव्य मंदिर के निर्माण की नींव रखी। गुजरात के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल महुड़ी में गुरुजी के गुरु दादा बुद्धि सागर सुरीश्वर जी ने अपनी तपस्या के बल पर घंटाकरण महावीर भगवान को प्रकट कराया था। घंटाकरण महावीर जी का मंदिर दुख निवारण और मनोरथों की पूर्ति का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि इस विशाल घंटे की घनघनाहट करीबन 3 किलोमीटर तक सुनी जाती है। ऊंचाई पर लटक रहे इस घंटे को ध्वनित करने वाले भक्तों की सभी इच्छा पूर्ण होती है। शायद यही वजह है कि इसको छूने के लिए लोग घंटों कतारबद्ध होकर आश्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। इस मंदिर की दूसरी प्रमुख विशेषता, यहाँ का प्रसाद सूखड़ी है। शायद दुनिया का ये इकलौता मंदिर है जिसके प्रसाद को मंदिर परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाता। गुरुओं के तपोबल से ये अलौकिक मंदिर बन गया सिद्धपीठ, जहां आने वालों को मिलती है दुखों से मुक्ति। धर्म प्रचार प्रसार और ज्ञान गंगा को जनहितार्थ पहुंचाने के लिए गुरुजी के पद महुड़ी से बाहर निकल पड़े। गुरुजी के आदेश से वीजापुर में एक देरासर के निर्माण की योजना बनी। सागर सुरीश्वर देरासर जैन मंदिर की खूबसूरती और शांतिमय माहौल से मन में ऐसी अनुभूति होती है मानो यहां जैन गुरुओं के तपोबल से धरती पर स्वर्ग का निर्माण किया गया हो। इस विशाल परिसर में 8 बड़े मंदिर हैं जो श्रावक श्राविकाओं के ज्ञान चक्षुओं को खोलते हैं। यहाँ बीजापुर में जो भी कुछ देख रहे हैं वो सब सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराजा को आभारी है। और ये आश्रम नहीं, ये तीर्थ स्थान है, ये साधना स्थान है, ये समाधि स्थल है। यहाँ हजारों लोग आते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। और जो भी संसारी लोग हैं, हर चीज़ की आधी व्याधि उपाधि हर आदमी को है। इस दुनिया में सुखी 2 लोग हैं, एक तो जो पैदा नहीं हुआ है वो, और एक मर चुका है वो, बाकी सब दुखी है। मगर ऐसे स्थान पे आने वाले हर तरह की शांति और जो भी मुझवन है उनका स्वयं उनको उकेल मिलता है। भगवान स्फुरलिंग पार्श्वनाथ का ये भव्य मंदिर जैन धर्म के साथ पूरे देश की शान है। सफेद पत्थरों में सुंदर नक्काशी से बना ये मंदिर जितना भव्य है उतना ही मनोरथ भी। भारत में भगवान स्फुरलिंग पार्श्वनाथ के इस इकलौते मंदिर का निर्माण गुरु सुबोध सागर सुरीश्वर जी की प्रेरणा से हुआ। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी कहानी
बेहद दिलचस्प है। भगवान स्फुरलिंग पार्श्वनाथ का मूल मंदिर नेपाल में हुआ करता था। हिमालय की तलहटी में होने के कारण मंदिर धीरे धीरे हिमशिलाओं में विलुप्त हो गया, लेकिन कालांतर में विलुप्त भगवान स्फुरलिंग पार्श्वनाथ का मंदिर ग्रंथों और संतों की वाणी में सदैव बना रहा। और एक दिन गुरुजी को ध्यान में मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुभूति हुई और गुरुवर की कल्पनाएं संगमरमरी रूप में ढलकर तैयार हो गई। भगवान स्फुरलिंग पार्श्वनाथ के मंदिर के साथ देरासर परिसर में श्री आदिश्वर भगवान, श्री सीमंदर स्वामी भगवान, श्री घंटाकरण महावीर भगवान, पद्मावती देवी मंदिर, रायन पगला मंदिर, बुद्धिसागर गुरु मंदिर और अब स्वयं सुबोध सागर गुरुजी के मंदिर को देखकर यहां आने वाले भक्त मंत्र मुग्ध होते हैं। यहां गुरुओं ने धर्म को समाज सेवा और सर्वजन हिताय के तौर पर प्रचारित किया। यही वजह है कि यहां जैनियों के साथ जैनंतर भी मत्था टेकने आते हैं। बुद्धि सागर सुरीश्वर जी देरासर के निर्माण के लिए जमीन मुहैया कराने वालों में मुसलमान भाइयों का भी भरपूर सहयोग रहा। मुस्लिम भाइयों ने अपने कब्रिस्तान की जमीन देरासर के विस्तार के लिए दान कर दी। कि जो मारा साहिब थे उनके अंदर सभी धर्मों के लिए और सभी धर्म की पब्लिक के लिए और लोगों के लिए मोहब्बत थी, उनके लिए कुछ करने की तमन्ना थी और वो एक ही कौम का नहीं सोच के पूरे गांव की जितनी भी कौमें हैं उन सबका वो सोचते थे, सबका विकास हो, सब प्रभुमय बने और सबको सुख शांति मिले, ऐसे विचारों से भरे हुए थे। इसी वजह से हमारा समाज भी उनके प्रति आकर्षित होता था। हमारे गांव में 50% मुस्लिम की बस्ती है, 50% दूसरे लोगों की बस्ती है, मगर एक ही ये संत था कि जिनके लिए सभी को आदर था। मुस्लिम बिरादर के भाइयों ने पूरे प्रेम से उनको विनंती की कि आप हमारी मस्जिद में आइए और हमें उपदेश दीजिए। ये संत बिना रोक टोक सीधे वहाँ चले गए और सभी मुस्लिम